हेलो दोस्तों, आप अगर डिस्टीवी का कस्टमर है और डिस्टीवी का जो मोबाइल ऐप है वो इस्तेमाल करके आ रहे हैं, ऐसे में आप अगर किसी एक चैनल को या तो किसी एक पैक को आपका पैक के साथ जो आपका बेसिक पैक है उसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी ऑफलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले जो डिस्टीवी का मोबाइल ऐप है वहां पे लॉगिन हो जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे माय डिस्टीवी जो मोबाइल ऐप है वो ओपन कर लेंगे और आपको ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे एकदम लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में आपको 3 लाइन वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर टैप कीजिए। उसके ऊपर टैप करने के बाद लॉगिन अब्लिक साइन अप के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपका जो VC नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे डालना है और वहाँ पे डाल दीजिए। ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो आपका डिस्टीवी के साथ लिंक है। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP चला जाएगा और यहाँ पे वो OTP डाल के कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। हम अभी OTP डाल के कंटिन्यू कर लेते हैं। OTP डाल के कंटिन्यू करने के बाद आप इस पेज में आ जाएगा, अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा जहाँ पे आपका नाम और आपका जो VC नंबर है वो दिखाई देगा और यहाँ पे आपका रिचार्ज अमाउंट भी दिखाई देगा, अभी कितना अमाउंट अवेलेबल है और कब तक आपका स्विच ऑफ डेट है। और उसके बगल में ही आपको मैनेज पैक का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें मॉडिफाई पैक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो उसके ऊपर टैप कीजिए। जैसे मॉडिफाई पैक के ऊपर टैप करेंगे आपका जो पैक अभी चल रहा है वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको चैनल ऐड करना है, एक अलग सा चैनल ऐड करना है, इसलिए चैनल्स के ऊपर चला जाना है। जैसे चैनल्स के ऊपर चला जाएंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये, तब तक वेट कीजिए। अभी आप चैनल्स लोड होने के बाद आप यहाँ पे या तो एक एक करके चैनल चूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन सा चैनल आपको ज़रूरत है। तो वो वाला चैनल का नाम लिखिए। यहाँ पे मुझे स्टार स्पोर्ट्स चाहिए तो स्टार स्पोर्ट्स लिख दिया। यहाँ पे देखिए स्टार स्पोर्ट्स का जितना भी चैनल है आ चुका है, तो मुझे ये 19 रुपया पर मंथ का जो चैनल है स्टार स्पोर्ट्स 1 HD ये वाला चैनल चाहिए, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो बाकी चैनल तो जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे दिखाई देगा। अभी एक्सपांड के ऊपर फिर चला जाइए, एक बार चेक कर लीजिए आपका जो पेज चैनल है क्या क्या सिलेक्टेड है। तो उसके ऊपर जाइए, तो पेज चैनल के ऊपर जाइए, ये हो रखा है HD चैनल और HD चैनल। HD चैनल यहाँ पे 2 सिलेक्ट हो रखा है, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD, तो उसे ऊपर वाला डिलीट कर देंगे और स्टार स्पोर्ट्स 1 HD हिंदी ये सिलेक्टेड है, इसे रहने दूंगा और उसे क्रॉस कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, आपका पैक डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा, फिर प्रोसीड बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा और यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगला जो पेमेंट है आपका ग्रैंड टोटल 301 रुपया 51 पैसा देना पड़ेगा। उससे पहले मेरा पैक थोड़ा कम था तो अभी 19 रुपया ऐड हो गया। और एक बार ध्यान दीजिए, ये जो चैनल ऐड किया है एक दिन कम से कम आपको चलाना है, इसके बाद ही आप डिलीट कर पाएंगे। तो अभी सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो रिक्वेस्ट है आपका सेंड कर दिया गया है। यहाँ पे एक टोकन नंबर भी दिया गया है, आप अगर TV को 99 चैनल में लगा के रखेगा 2-3 मिनट में आपका ये चैनल अपडेट हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो नया स्विच ऑफ डेट है वो आपको अपना अकाउंट में दिखाई देगा, मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा। तो इसको दोबारा रिफ्रेश करेगा तो वो आ जाएगा और थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये, इसके बाद ही हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से आप अपना DISH TV पैक में एक नया चैनल ऐड कर सकते हैं माई DISH TV ऐप के माध्यम से। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे, कैसे आप DISH TV में एक नया चैनल को ऐड कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।